हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। क्वालिटी के बारे में पहले भी कई वीडियोस में बताया जा चुका है कि क्वालिटी क्या होती है, कि जो प्रोडक्ट के क्या कहते हैं स्पेसिफिकेशन की, प्रोडक्ट जिस पर्पस के लिए बना है वो उसको पूरा कर रहा है या नहीं, यही उसकी क्वालिटी होती है, ठीक है। तो अब क्वालिटी के बारे में नहीं, क्वालिटी कंट्रोल क्या चीज़ होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल मे बी डिफाइंड एज अ सिस्टम दैट इज़ यूज टू मेंटेन अ डिज़ायर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी इन ए प्रोडक्ट और सर्विस। क्वालिटी कंट्रोल और बच्चों इंस्पेक्शन जो होता है, ठीक है, जो हम पहली क्लासेस में बता चुके हैं, बिल्कुल सिमिलर से हैं। लेकिन इंस्पेक्शन का काम होता है चेकिंग करना, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना कि वो ठीक है या नहीं। क्वालिटी कंट्रोल क्या चीज़ है कि जो वो डिफरेंस आ रहे हैं, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट बनाना था उसमें और जो बना है उसमें जो डिफरेंस है, मतलब जो गैप है, ठीक है, तो उस गैप को भरना है, मतलब उस गैप को दूर करना है कि वो किसकी वजह से है, ठीक है। तो उसको हम क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल करते कैसे हैं, ठीक है। तो वो आगे की चीज़ है, अभी आज हम इसी को देखेंगे। तो अभी देखिए, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, टूल्स, मशीन, टाइप ऑफ लेबर, वर्किंग कंडीशन। आपको पता है प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो किस किस पर डिपेंड करती है? प्रोडक्ट के मटेरियल पर, किस तरीके का मटेरियल है, किस तरीके के टूल्स यूज़ हुए हैं, किस तरीके की मशीन यूज़ हुई है, ठीक है। आपकी जो लेबर है, ऑपरेटर हैं, वो स्किल हैं, उन्हें कितने ट्रेनिंग मिली हुई है, और जहां आप काम कर रहे हैं वहां की वर्किंग कंडीशन कैसी है, ठीक है। तो इन सब बातों पे जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी डिपेंड करती है। तो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए भी इन्हीं सारे फैक्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक। ये डेफिनेशन है एक क्वालिटी कंट्रोल की, कि क्वालिटी कंट्रोल इज़ द रेगुलेटरी प्रोसेस थ्रू विच वी मेजर एक्चुअल क्वालिटी परफॉर्मेंस, कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड एंड एक्ट ऑन द डिफरेंस। तो अभी मैं जो आपको बता रहा था कि क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्वालिटी की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। वो कैसे चेक होगा? जब हम उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड क्या होते हैं बच्चों? जो आपकी ड्राइंग बनाई हुई है, ठीक है, कि आपको ऐसा बनाना था पीस जो भी ड्राइंग में है, और वास्तव में कैसा बना है, रियलिटी में कैसा बना है, तो उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को दूर करने के लिए आप जो काम करोगे, कि आप मान लीजिए ऑपरेटर की वजह से कोई फॉल्ट हो रहा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ऑपरेटर को मेथड नहीं पता कि किस तरीके से करना है, तो अब इसका क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा? इंस्पेक्शन करके आपने गलती तो पकड़ ली कि हाँ ये फॉल्ट हुआ है, लेकिन वो दूर करी जाएगी। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है कि आप उस ऑपरेटर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, कि हाँ भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे काम करना है। तो ये हुआ आपका क्वालिटी का कंट्रोल, ठीक है। तो ये चीज़ होती है बच्चों। आगे पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। थ्योरी का ही टॉपिक है, आसान सा बिल्कुल। क्वालिटी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, मतलब इसकी नीड क्यों है, ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ती है क्वालिटी कंट्रोल करने की। तो आपको पता है क्वालिटी प्रोडक्ट की बहुत कुछ डिपेंड करती है, आपकी जो सेल है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है, ये सारी बातें जो हैं वो क्वालिटी कंट्रोल, मतलब क्वालिटी पर डिपेंड करती हैं। तो एक एक करके पॉइंट देखते हैं। टू इम्प्रूव द कंपनी बाय मेकिंग द प्रोडक्शन मोर एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर्स, दैट इज़ बाय प्रोवाइडिंग लॉन्ग लाइफ, ग्रेटर यूजफुलनेस एक्सेट्रा। इस बात का मतलब समझ रहे हैं बच्चों? कंपनीज़ की इनकम कैसे इंक्रीज़ हो रही है क्वालिटी कंट्रोल करने से? जब कस्टमर के पास एक अच्छा प्रोडक्ट पहुंच रहा है, उस प्रोडक्ट की यूज़फुलनेस है, मतलब वो अच्छा यूज़ हो रहा है, लॉन्ग लाइफ चल रहा है, तो कस्टमर का विश्वास बढ़ेगा कंपनी की ओर, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, ठीक है, जिससे कंपनी की जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं, टू रिड्यूस कंपनीज कॉस्ट थ्रू रिडक्शन ऑफ लॉसेस ड्यू टू डिफेक्ट। ये क्या चीज़ है? कंपनी की कॉस्ट कम क्यों हो रही है? जब आप क्वालिटी पे काम कर रहे हो, क्वालिटी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके जो रिजेक्शन है, ठीक है, वो कम हो जाएंगे। और जब रिजेक्शन कम हो जाएगा तो आपकी मटेरियल की वेस्टेज बचेगी, टूल की वेस्टेज बचेगी, टाइम की वेस्टेज बचेगी, ठीक है। फिर है टू प्रोड्यूस ऑप्टिमल क्वालिटी एट रिड्यूस प्राइस। फिर ये चीज़ है कि आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो ज़्यादा महंगी ना बने, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा ना हो जाए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि कम से कम दाम पर अच्छा पीस बनकर तैयार। टू इंश्योर सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर विद प्रोडक्शन और सर्विस, टू बिल्ड कस्टमर गुडविल, कॉन्फिडेंस एंड रेपुटेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर। दूसरा हमारा जो है क्वालिटी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि कस्टमर सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है, किससे?
जो आपका प्रोडक्शन है, जो भी आप प्रोड्यूस प्रोडक्शन उसको दे रहे हो, प्रोडक्ट दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, ठीक है, तो कस्टमर उससे सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी वो अगली बार आपसे वो सामान खरीदेगा, ठीक है। तो जब आप क्वालिटी अच्छी दोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कंपनी को लेके, और जो आप कंपनी है उसकी रेपुटेशन इंक्रीज़ होगी, ठीक है। जैसे जितने भी हमारे बड़े ब्रांड होते हैं, जो हम नामी ग्रामी, जैसे चाहे कपड़े के हों, जूते के हों, बाइक में हों, कार में हों, तो जो भी आपको पता है कि जो प्रोडक्ट है बेटर क्वालिटी देगा, ठीक है, जैसे हीरो हो गया, होंडा हो गया, जैसे बाइक में हमारे यहाँ 3 सेगमेंट चलते हैं, हीरो, होंडा और बजाज, ठीक है, तो वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तभी तो वहाँ पर वो टॉप पर बने हुए हैं, उनके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, तो वो क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं कि लोग एक ख़रीदता तो कहता है कि हाँ बहुत अच्छा बाइक है यार, तू भी यही लेना, तो इस तरीके से सेल की चैन बढ़ती चली जाती है, ठीक है। आगे देखिए, टू मेक इंस्पेक्शन प्रॉम्प्ट टू इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है शीघ्र, हमें इंस्पेक्शन जल्दी से जल्दी करने हैं ताकि हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकें। इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल बच्चों ये एक पार्ट हैं एक दूसरे के, ठीक है। क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए ही इंस्पेक्शन किया जाता है, ठीक है। टू चेक द वेरिएशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, और हम क्यों करते हैं क्वालिटी कंट्रोल, कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, उत्पादन के दौरान कुछ वेरिएशन तो नहीं आ रहे, कुछ अंतर तो नहीं आ रहे प्रोडक्ट डिजाइनिंग में, ठीक है, इन चीज़ों को चेक करते हैं। आगे देखिए, बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के बेनिफिट्स क्या हैं। अब आपने देख लिया उनकी नीड क्यों है, कि क्यों ज़रूरत है। अब देखिए फ़ायदे क्या हैं, तो बच्चों दोनों बातें एक जैसी ही लगती हैं कुछ कुछ, क्योंकि भाई ज़रूरत क्यों है, सुधार करने के लिए, और फ़ायदे क्या होंगे, वो सुधार होंगे, जिस काम के लिए ज़रूरत है वही काम होंगे, वही बेनिफिट्स बन जाएंगे। जैसे इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, जब आप क्वालिटी को कंट्रोल करोगे तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज़ होगी और सर्विस की क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, है ना। रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये पॉइंट उसमें भी था, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट जो है वो आपकी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि रिजेक्शन कम होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, डिटरमाइनिंग एंड इम्प्रूविंग द मार्केटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, इससे आपका क्या होगा, मार्केट में जो प्रोडक्ट की इमेज है वो इंक्रीज़ होगी, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो, ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग एंड अश्योरिंग ऑन टाइम डिलीवरीज एंड अवेलेबिलिटी, ये क्या हो रहा है बच्चों, अगर आप क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे हो, क्वालिटी कंट्रोल करने से आपके डिफेक्ट कम हो रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप कस्टमर को ऑन टाइम पर डिलीवरी दे पाओगे, कि जब आपने उसको प्रॉमिस किया है कि हम उस तारीख को डिलीवरी करेंगे, ठीक है, या कस्टमर की जब रिक्वायरमेंट है तो आपके पास मटेरियल होगा, प्रोडक्ट होंगे, ऐसा नहीं है कि शॉर्टेज हो जाएगी। शॉर्टेज कब होती है, कि जब चैन सही से ना चल पा रही हो, प्लानिंग सही से ना हो रही हो, डिफेक्ट आ गया हो, ठीक है, ये चीज़ें हैं। इट हेल्प द मैन्युफैक्चरर इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कर्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इसकी हेल्प से क्या हो रहा है, जो वर्कर हैं आपके, ठीक है, उनको जिम्मेदारी दे जा रही है, कि आपकी जिम्मेदारी है क्वालिटी इंस्पेक्टर की, क्वालिटी इंश्योरेंस की, ऑपरेटर की, सुपरवाइज़र की, सबको काम बताया जा रहा है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तो हम उनको बता रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल करने में तुम सबकी जिम्मेदारी है, सबको मिलकर काम करना, ठीक है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होते हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, कि वो प्रोडक्शन के जो एम्प्लॉई हैं उनको जिम्मेदारी दे पा रहे हैं कि तुम्हें ही क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये टॉपिक, आसान सा टॉपिक था थ्योरी का, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ उनको मिलती रहें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।